अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीडीएम टोले की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं, मालो तौलत की ऑफर्स भी किसी काम ना सकी। कप्तान ने तुर्क का पता फेंक दिया। पीटीआई क्यादत के अहम इजलास में हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। वजीर अला पंजाब को एतमाद का वोट देने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। एतमाद का वोट कब लिया जाएगा, हतमी तारीख भी तय कर ली गयी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को पीडीएम टोले की हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली गयी। कप्तान ने पीडीएम टोले को बड़ा चैलेंज भी दे दिया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अरकान की खरीदो फरोख से रोकने के लिए कप्तान ने क्या तरीकेकार अपनाया है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीटीएम टोला अपने ही खोदे गए कुएं में जा गिरा। जिन पर तकिया था वहीं पत्ते हवा देने लगे। वफाकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके, हुकूमत चंद रोज की ही मेहमान रह गयी। कैसे, ये हम आपको आगे चलकर बता रहे हैं। एमकेएम के अलावा और कौन कौन सी जमात हुकूमत का साथ छोड़ने वाली है, एमकेएम किसके कहने पर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर रही है, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तहम इन सवालों के जवाब लेने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो से मुतालिक आपका कोई सवाल है तो इसे कॉमेंट सेक्शन में दर्ज करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का बर वक्त जवाब दें ताकि आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाही दी जा सके। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैसले की घड़ी आम पहुँची, तख्त या तख्ता, कौन तख्त लाहौर पर कब्जा जमाएगा और किसके हिस्से में जिलत आएगी। चंद ही रोज बाकी हैं। कप्तान ने मुखालफीन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर अला पंजाब को एतमाद का वोट देने के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुखालफीन पर वाजे कर दिया कि कोई किसी एबाम में ना रहे। वजीर अला पंजाब परवेज इलाही न सिर्फ एतमाद का वोट लेंगे बल्कि मुखालफीन को मुंह की खानी पड़ेगी, साजिशों की साजिशें नाकाम होंगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असेंबली से राब्तों के लिए रीजनल तंजीमों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, अरकान असेंबली का होमवर्क मुकम्मल होते ही वजीर अला पंजाब परवेज इलाही असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक पीडीएम टोले की साजिशों, ऑफरों और अरकान को तोड़ने की कोशिशों से निपटने और खसूसन खवातीन अरकान से पीडीएम टोले के राब्तों और हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों पर भी लाए अमल तैयार कर लिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन अरकान जिन्हें खरीदने या ऑफर्स देने की कोशिश की गई हैं, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को इजलास से कबल ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये तमाम इकदामात पीटीए अरकान को पीडीएम और उनके हवारियों की साजिशों से महफूज रखने के लिए उठाए जाएंगे। दोस्तों, स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान ने 9 जनवरी को असेंबली का इजलास तलब कर रखा है। इससे कबल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया था, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब का हुक्म मुअत्तल कर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट में अगली समाअत 11 जनवरी को है। ज़राए का कहना है की कप्तान ने अदालत में अगली तारीख से कबल ही वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक एतमाद भी वापस ले ली थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे तख्त लाहौर लेते लेते पीडीएम टोले को वफाक के भी लाले पड़ गए हैं। इत्तेहादियों के सहारे खड़ी पीडीएम की वफाकी हुकूमत भी खत्म होने के करीब पहुंच गई। इत्तेहादियों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात ने पीडीएम हुकूमत को ही खतरे से दो चार कर दिया। मामला क्या हुआ, ये हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वादा खिलाफियों ने इत्तेहादियों को भी मुखालिफ बना दिया। ज़राए के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान के साथ मामला तय न पाने की वजह से हालात पीडीएम टोले के हाथों से निकल गए। ज़राए के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वोटर लिस्टों को मुस्तरद करके मुतनाजा हल्का बंदियों के खिलाफ 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। ज़राए का कहना है की न सिर्फ एमकेएम बल्कि पीएसबी फारूक सत्तार समेत दीगर मुहाजिर रहनुमाओं को भी इस रैली में शमूलियत की दावत दी जाएगी। दोस्तों, हमारे ज़राए ने बताया है की एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा के हिकमत अमली भी मुरतब कर ली, जबकि वफाकी हुकूमत
हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि MQM के जनरल वर्कर्स इजलास से कबल राबता कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसमें हलका बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राबते बढ़ाने और मिलकर जिद्दोजहद करने पर भी इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कायदीन पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस जबकि PIB में डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहायशगाह जाएंगे और उन्हें 9 जनवरी की रैली में शिरकत की दावत देंगे। ज़राए के मुताबिक MQM ने हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों को मुस्तरद कर दिया, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सड़कों पर आने का फैसला किया है। राबता कमेटी के इजलास में हुकूमत से अलहदगी के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि PSB कायदीन से राबता कमेटी के रुकन और साबिक MPA रऊफ सदीकी ने टेलीफोनिक राबता किया और उन्हें रात 9 बजे पाकिस्तान हाउस के दौरे से मुतालिक आगाह किया।